स्पेशल न्यूज बुलेटिन। सुशांत की डेथ मिस्ट्री के ड्रग्स कनेक्शन को उजागर करने के लिए आज एनसीबी एक्शन मोड में है। एनसीबी ने रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती को हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा रिया और शौविक के करीबी सैमुअल मिरांडा को भी एनसीबी ने हिरासत में लिया है। एनसीबी की टीम सुबह 6:40 पर शौविक के घर पहुंची और करीब 4 घंटे की रेड के बाद शौविक को हिरासत में ले लिया गया। एनसीबी की टीम शौविक के घर से कुछ गैजेट्स और डिजिटल सबूत ले गई है। इसके अलावा एनसीबी ने रिया के घर के अंदर लैपटॉप को कब्जे में ले लिया है। बड़ी खबर यह है कि एनसीबी पहले मिरांडा और फिर शौविक से पूछताछ करेगी। इसके बाद शौविक और मिरांडा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। शौविक और सैमुअल मिरांडा पर एनसीबी के एक्शन के बाद सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने रिएक्शन दिया है। विकास का कहना है कि एनसीबी, ईडी और सीबीआई की जांच में बड़ा खुलासा होगा, क्योंकि इस केस में मुंबई पुलिस काफी समय बर्बाद कर चुकी है। तो जो पीरियड मुंबई पुलिस ने वेस्ट किया है इस इन्वेस्टिगेशन में, और एक तरह से जो एक गुमराह किया है पूरे इस मामले को, उस मामले को ट्रैक पर लाने में तो थोड़ा टाइम लगेगा। और ईडी ने शुरू में कर दिया, सुप्रीम कोर्ट की वजह से सीबीआई को वेट करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के फाइनल ऑर्डर के बाद। और जब सीबीआई वहां पहुंचा तो फिर ड्रग्स का एंगल निकला, तो एनसीबी गया है। तो इसलिए तीनों सेंट्रल एजेंसीज हैं, तीनों में सिनर्जी होती है और वो लोग आपस में सारे वो शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन। और मेरे को लगता है इन तीनों का इन्वेस्टिगेशन बहुत कम दिनों से भी चला है और बहुत जल्दी कुछ न कुछ खुलासा होना चाहिए। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 2 दिनों के लद्दाख दौरे पर हैं। आज आर्मी चीफ के दौरे का दूसरा दिन है। अपनी 2 दिवसीय दौरे के दौरान सेना प्रमुख ने तैयारियों की भी समीक्षा की। आज आर्मी चीफ वापस दिल्ली लौटेंगे और एनएसए अजीत डोभाल को स्थिति और तैयारियों के बारे में बताएंगे। कल मैं ले पहुंचने के बाद मैं अलग अलग जगह पर गया था और हर जगह पर मैंने ऑफिसर्स और जेसीओ से बात की और स्थिति का जायजा लिया। जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है और वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है, और मैं यकीनन कह सकता हूं कि हमारे जवान सबसे अच्छे जवान हैं और वो ना सिर्फ इंडियन आर्मी का लेकिन देश का भी नाम रोशन करेंगे। अभी जो एलएसी के ऊपर जो स्थिति है वो थोड़ी नाजुक है, गंभीर है, लेकिन हम लगातार इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं और हमारी सुरक्षा के लिए हमने कुछ एहतियाती कदम उठाए थे और इससे हमें भरोसा है कि स्थिति कायम रहेगी। और जो भी हमने कदम उठाए हैं वो हमने एलएसी के ऊपर उठाए हैं। इस बीच चीन के रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह के साथ मीटिंग करने की इच्छा जताई है। राजनाथ सिंह इन दिनों शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीट के लिए रूस में हैं। इस मीट में चीन के रक्षा मंत्री भी शामिल हैं। इसी दौरान चीन के रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह से मीटिंग करने की इच्छा जताई है। इस बीच दिशा सालियान केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर